मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बंडोल थाना अंतर्गत ग्राम मुआरी खापा के खेत में काम कर रहे पति पत्नी घर वापस लौटने के दौरान नाला में आई बाढ़ में फंस गए। पहाड़ों के बीच स्थित नाला में लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता देख दोनों जान बचाने एक पेड़ में चढ़ गए। सूचना मिलने पर बंडोल थाना प्रभारी राजेश दुबे, भोमा सकिल नायब तहसीलदार शनिशाह परतेती, सिवनी SDM मेद्या शर्मा सहित SDERF के जवान मौके पर पहुंचे। SDERF के दल ने रुद्र रूप में बह रहे नाले के तेज बहाव में मोटर बोट को उतार कर पेड़ में फंसे सवितलाल 45 साल व उसकी पत्नी संतोषी भलावी 40 साल को सुरक्षित बचा लिया है। भूअभिलेख अधीक्षक शनिशाह परतेती ने बताया कि अतिवृष्टि के दौरान उफनाते नदी नालों को आमजन पार करने का जोखिम न उठाएं। नदी किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों में जाकर जिला प्रशासन का सहयोग करें।